आपकी जो है एग्ज़ाम फ़ीस जमा होने की डेट आ गई है, आप लोग जो है एग्ज़ाम फ़ीस जमा कर दीजिए NIOS की क्लास 10th और 12th की दोनों ही जो है जमा कर सकते हैं। नोटिस आपको जो है 29 तारीख में आया था, आप देख लें यहाँ पे, ठीक है। इसमें जो है कैसे कैसे जमा कर, ये जो है 1 दिसंबर से जमा होना शुरू हो गए, 10 जनवरी तक जमा होंगे फॉर द लर्नर इनरोल्ड स्टार्टिंग ब्लॉक 1 अप्रैल में जिनके एग्ज़ाम है, और 26 दिसंबर से 10 जनवरी 2023 तक जमा होंगे विदाउट लेट फीस। प्रीवियस फॉर लर्नर रजिस्टर्ड अपीयर्ड इन अक्टूबर नवंबर, ठीक है, और 11 जनवरी से 17 जनवरी तक होंगे लेट फीस के साथ, 100 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से होंगे, और 18 जनवरी से जो 25 जनवरी तक होंगे वो सभी लर्नर्स के लिए, लेकिन 1500 रुपये लेट फीस जमा होगी उसमें, ठीक है। अप्रैल मई का जो एग्ज़ाम है उनके लिए, आपके लिए क्लियर है। अब इसके अंदर ये सारी बातें बहुत डिटेल में दे रखी हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। मस्ट इंश्योर गैप 2 ईयर्स, अगर आप जो है 12th में तो आपका जो है 1 साल का तो उसमें गैप होना चाहिए, मतलब 1 साल आपने एग्ज़ाम दे दिया फिर उसके अगले साल में आपकी मतलब एक साल गैप रहेगा, फिर उसके बाद आपको करनी है। जैसे 10th करी, अब 1 साल का गैप, मतलब 3 इस साल देंगे 3 अगले साल देंगे, ये नहीं कि आप जो है एक ही साथ 6 की भर दें, तो आपकी फ़ीस तो भर जाएगी लेकिन एग्ज़ाम वही 3 का देगा, फालतू में आपके पैसा खर्च होंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए, शुक्रिया।